नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम दो फार्मा स्टॉक्स का डिस्कशन करते हैं जिसमें कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बहुत तेजी आई थी और स्टॉक्स अपने एकदम ब्रेकआउट लेवल के भी करीब हैं। तो हम देखेंगे कि अब इसमें हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। चर्चा शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस एनालिसिस के बाद सजेशन देते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। आप इन्वेस्टमेंट से पहले अपने एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। आइए दोस्तों, अब हम चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं सीक्वेंट साइंटिफिक की बात करना चाहूंगा। तो इसको दोस्तों HDFC सिक्योरिटीज ने 145 रुपीज का टारगेट दिया था जब इसकी प्राइस 133 रुपीज के पास थी, और अगर मैं इसकी अभी प्राइस करूं तो एग्जैक्टली ये 145 के ही टारगेट के पास है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इसीलिए इसे HDFC सिक्योरिटीज ने 145 का टारगेट दिया था एकदम शॉर्ट टर्म के लिए, जो अचीव हो गया। स्टॉक अब अपने ब्रेकआउट लेवल के करीब है। अगर हम अदर चीजों की देखें दोस्तों, तो इस स्टॉक में बहुत गिरावट आई है और आप कह सकते हैं ये लास्ट ईयर का वेल्थ डिस्ट्रॉयर भी था, क्योंकि 70% तक की इसमें हमें गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पे आप देखेंगे ये 320 का हाई बनाया, उसके बाद 120 तक भी ये स्टॉक एक टाइम चला गया था। लास्ट इसमें 7% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिली थी, और मैं डिलीवरी परसेंटेज की बात करूं तो 29%, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी डिलीवरी परसेंटेज है। अब दोस्तों इस स्टॉक में आपको क्या करना है, मेरा मानना है आपको यहाँ का एक छोटा सा एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा इस लेवल का, ये जो इस वाले स्विंग का लो है 128 रुपीज के पास का, आप इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और जो टारगेट्स रहेंगे दोस्तों वो 160, 180 एंड 200, तो 160, 180 और 200 के टारगेट्स रहेंगे और 128 का स्टॉप लॉस रहेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ठीक ठाक दिख रहा है मुझे। अगर मैं दोस्तों ULCP की बात करूं दोस्तों, तो इसमें जो डिलीवरी परसेंटेज था वो काफी पुअर था, केवल 17% का डिलीवरी थी, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो स्टॉक अगर यहाँ से रिवर्स हो जाए तो भी कोई आश्चर्य होने वाली बात नहीं है, हालांकि स्टॉक ने अपर सर्किट मारा था 20% के साथ। और दोस्तों जो पॉजिटिव न्यूज है वो ये है कि आइब्रोप्रोफेन की मार्केट कही जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में काफी अच्छी रहेगी, और ये उसमें एक अच्छा ULCP अच्छा काम करता है, तो इनका फ्यूचर हो सकता है काफी सही हो, ऐसा इस रिपोर्ट से लग रहा है। चार्ट पे मैं देखूं दोस्तों तो स्टॉक एक टाइम 720 के हाई बनाया था, फिर एक यहाँ पे स्टॉक का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। देखिए दोस्तों सपोर्ट की क्या वैल्यू होती है वो इस स्टॉक से आपको सीखने को मिलेगा। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था दोस्तों 560 का, अगस्त से लेकर नवंबर इस स्टॉक ने इस सपोर्ट को बहुत बार तोड़ा, और फिर जब इसने इस सपोर्ट को गैप डाउन के संग तोड़ा तो फिर इस स्टॉक में बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं भयंकर गिरावट देखने को आई। फिर इस स्टॉक ने यहाँ पे देखिए दोस्तों सपोर्ट ले रहा था ये 420 के पास का, और फिर जब इसको इस स्टॉक ने इस सपोर्ट को तोड़ा तो 320 तक भी चला गया। तो ये वैल्यू होती है दोस्तों सपोर्ट्स की। और अब देखिए दोस्तों इस स्टॉक दोबारा ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस के पास है, और अगर ये स्टॉक इस लेवल को क्रॉस करता है 430 को तो हमें 480 और 560 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस गैप को भी फिल कर देगा। तो आपको दोस्तों इस स्टॉक में अगर पोजीशन बनाते हैं तो 480 और 560 के टारगेट्स को एम करिएगा। 630 तो अभी बहुत मुझे मुश्किल लग रहा है कि रीसेंट 6 मंथ्स या 1 ईयर में ये स्टॉक पहुंचेगा, बट हाँ 560 तक ये जरूर पहुंच सकता है। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो यहाँ का मेंटेन करना है, 390 रुपीज का आप इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिएगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इस स्टॉक में मुझे सही दिख रहा है, क्योंकि काफी हैवी वॉल्यूम्स में ट्रेडिंग हुई है। यहाँ पे देखिए कितनी हैवी वॉल्यूम्स हुई है, फिर यहाँ काफी हैवी वॉल्यूम्स में हुई है, तो अच्छी वॉल्यूम्स में ट्रेडिंग हुई है और कंपैरेटिवली सेलिंग लेस वॉल्यूम में हो रही है, तो हो सकता है स्टॉक अच्छा पोटेंशियल हो अपसाइड का। तो ये तो ये मेरी एनालिसिस दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया स्पेशली टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।